तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ समझ में नहीं आया, सच में कोई दड़ी वाला खड़ा था उधर या कोई साया था? लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। इसमें भी पानी नहीं है, अभी किचन में जाके ही पीना पड़ेगा। इसमें भी पानी नहीं है, लगता है किचन में जाके पीना पड़ेगा। अरे भाई कौन चोर चोर चिल्ला रहा है? चोर 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 किचन में से आवाज आ रही है। टप्पू के रूम में छुप जा। नहीं नहीं नहीं, मेरे रूम में नहीं, पर पापा चेकिंग कर रहेंगे। मामा अब दोबारा के पीछे छुप जाओ। चोर 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 आप भी हो गए? मतलब आप कहाँ थे? पता है कब से कोई चिल्ला रहा है, चोर चोर। हाँ हाँ। अरे कोई नहीं, मैं ही चिल्ला रहा हूँ चोर चोर। हमारे घर में कोई दाढ़ी वाला चोर घुस गया। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो जल्दी। उसको इधर हॉल में ही देखा था। तो फिर आप किचन में क्यों गए थे? पानी पीने। मैंने उसे वहाँ भी देखा। अरे तो फिर हमने क्यों किसी को नहीं देखा? क्यों टप्पू? हाँ पापा सच्ची में हम लोग ने किसी को नहीं देखा। कौन है सामने आओ। आ गई सामने। तू चोर है? ना बाबा ना। तो जा पीछे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? टप्पू के रूम में। वो चोर वहाँ गया होगा। चोर चोर। अरे हाथी भाई ये तो जेठालाल की आवाज है। मामा चलो, मामा चलो बाथरूम चलते। भांजे तुझे लगी है, तू जा, मुझे अभी छिपना है। अरे मामा छुपने के लिए बाथरूम में चलने को बोल रहा हूँ, चलो जल्दी 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 जल्दी।
बाबू के रूम में भी नहीं है। ओए जेठाबड़ा, और बाहर निकल। अरे सोडी, तू उसकी मदद करने के लिए बुला रहा है, उसे लड्डी के लिए बुला रहा है। सोडी, मेरे घर में चोर घुसा है, जल्दी आ, जल्दी आ। ओ जेठाबड़ा, मैं हूँ नहीं आया। नमस्ते बबीता जी। घर पर चोर है। ओह माय गॉड, प्लीज बी केयरफुल। बी केयरफुल। अरे जेठा भाई, चोर कैसे आ गया? कैसे आया हो तो मिले तो पूछो। आती भाई, क्यों ट्रेन में आया, गाड़ी में आया, साइकिल में आया, कैसे आया? मतलब क्यों आ गया? अरे चोर क्यों आते हैं आती भाई, चोरी करने के लिए? क्या आप भी सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, सही बात है। कोमल भाभी, कुछ क्या खाया नहीं आज? आ जाओ आ जाओ। आज मिल जाए चोर। अरे एक मिनट, हाथीपुरा और अय्यर। हाथीपुरा, तुम उस वाले गेट पे जाके खड़े हो जाओ। अय्यरपुरा, तुम उस वाले गेट पे जाके खड़े हो जाओ। चलो यारो, अरे अरे हे भगवान, जरूर जेठा भाई ने सुंदर भाई को देख लिया होगा। सोटी आ रहा है, चोर की तो वाट है। ओए कितने आज चोर है, तो मैं छड़ांगा नहीं। नमस्ते दिया पापी जी। ओए बाहर निकल। जेठा, कहाँ देखा चोर को तुमने? वो क्या हुआ, मैं पानी पीने उठा तो जग लेने उधर गया। इतने में चोर को, दाढ़ी वाले चोर को, इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे देखा। फिर मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो वहाँ भी मैंने उसको देखा। कमाल है जेठा ब्रा, वो तुम दो दो जगह पानी पीते हो। अरे भाई, इधर ये जग खाली था इसलिए मैं किचन में गया पानी पीने के लिए। और ठीक है, फिर पूरे घर में चोर को ढूंढ निकालते हैं। एक मिनट छोड़ी जेठालाल, उसके हाथ में कुछ हथियार तो नहीं है ना? अरे भाई, मुश्किल से मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, तभी हथियार का कैसे यार बता सकता हूँ। तो डर माते यार। नहीं, डर नहीं रहा हूँ छोड़ी, मैं तो जनरली पूछ रहा था। हाँ ठीक है, फिर हॉल से शुरू करते हैं। हॉल में तो कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यानी हॉल क्लियर है। नहीं नहीं, हॉल हॉल क्लियर क्लियर है। ओ ठीक है, फिर मैं टप रूम में जाकर ढूंढता हूँ उस दाढ़ी वाले चोर को। ठीक है। हाँ जनरली तो पिड़ू, ओ बैठ गया रहा है, ओ किचन में जाके ढूंढ। चल चल भाई, चल चल चल, बाजू बाजू। ओए चोर। ओए पापा जी। क्या हुआ सोडी? अरे जेठा प्रा कह रहा है कि उसके घर में कोई दाढ़ी वाला चोर आ गया। आप लोग एक काम कीजिए ना, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ फोन करो भाई, जल्दी पुलिस को। एक मिनट, पुलिस को क्यों फोन करेंगे? अरे अरे, चोर आया है ना? नहीं नहीं, कोई चोर नहीं है। चोर नहीं है तो मैं क्या इधर रह दे खड़ा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि जेठा भाई का भ्रम हो। हाँ, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने घरों का ध्यान रखिए और खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे। बबीता। ओ रोशन, तू भी कर दे ध्यान रखी, ठीक है? जेठालाल, दाढ़ी मतलब किस टाइप की दाढ़ी थी? मतलब पूरी दाढ़ी थी या वो जो फ्रिज? पूरे पूरे दाढ़ी, दाढ़ी कैसी होती है भाई? ऐसे दाढ़ी होती है ना वो? ओए टप रूम में नहीं है और वहाँ की बालकनी में भी नहीं है। वो किचन का क्या हाल है भाई? किचन में भी नहीं है सोड़ी, बेडरूम में भी नहीं है, और कोई रूम है जेठालाल? बाथरूम। हाँ बाथरूम में नहीं देखा। चलो फिर चल के देखते हैं। चलो चल। ओ भिड़े, ओ भिड़े, ओ बाथरूम। अरे बाथरूम इधर है। ओ भिड़े, बाथरूम उधर है यार। हाँ तो उधर क्या खड़ा है भाई, चल ना। भाई हटो जेठा भाई यार। अरे
दरवाजा तो अंदर से बंद है पर वो बाहर खुलता है। ओ, फिर भी दरवाजा अंदर से ही बंद है। मतलब चोर अंदर ही है सोड़ी। ओए अभी दरवाजा तोड़ डालता हूँ। सोड़ी भाई खामोखा मैचिंग दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? करेक्ट है जी, सॉरी। आए जो भी अंदर है जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। सोड़ी अंकल ये हमारा बाथरूम है। टप्पू टप्पू तो अंदर क्या कर रहा है? जेठालाल ये कैसा सवाल है तुम्हारा? टप्पू जल्दी बाहर निकल हमको बाथरूम चेक करना है। पापा थोड़ा टाइम लगेगा। और टप्पू बुतर कोई फिक्र की गल नहीं है और आराम से एंजॉय। ओ यारो चोर तो यहाँ है नहीं, चलो सब रूम देख लिया। अभी क्या बाकी है जेठालाल, खामखा डरते हो? जब चोर नहीं है तो फिर जेठा प्रा को दिखा कैसे? हाँ, जरूर टप्पू के पापा को भ्रम हुआ है। हाँ, अरे बाहर अंजलि भाभी भी यही कह रही थी। यही कह रहे थे ना, सुना आपने? अंजलि भाभी भी यही कह रहे थे ना, नक्की आपको भ्रम हुआ है। सॉरी टप्पू के पापा के भ्रम की वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने की क्या बात है, होता है होता है। जेठालाल अभी आराम से सो जाओ। हाँ और जेठा प्रा और प्रामी देखने हैं तो बढ़िया बढ़िया चीजों में देखो यार। सोड़ी भ्रम देखे नहीं जाते, भ्रम हो जाते हैं, सपना देखा जाता है। क्या है सपना और भ्रम में जमीन आसमान का फर्क है। और पिड़ू और बंद करना ये बीटीसी। बीटीसी पिड़े ट्यूशन क्लासेस, चल आ जा। और जेठा प्रा गुड नाइट स्वीट भ्रम से। तू कहाँ जा रही है? बालकनी में। क्यों? अरे बाकी लोगों को भी बताना पड़ेगा ना कि आपको भ्रम हुआ है, इसलिए आप सब लोग सो जाइए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं और सबको सॉरी बोल देता हूँ। जा जा। चलो टप्पू, मामा कहाँ है? अरे मामा को टेंशन के मारे सच में प्रेशर आ गया क्या? क्यों भगवान, टाइम पास हो गया है। हाँ, चोर नहीं कुछ नहीं, फालतू में भ्रम हो रहा है उसको। सॉरी 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 सबको सॉरी, आधी रात को सबको तकलीफ दे मना। सॉरी क्यों? सॉरी 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 बबीता जी, सॉरी आप सबको आधी रात को जगाया, सॉरी। पर जेठा जी चोर मिला। ओ बबीता जी, ऊपर कोई चोर वोर नहीं था, ये तो अपने जेठा प्रा को किसी दाढ़ी वाले चोर का भ्रम हुआ था। चलो गुड नाइट। और गुड नाइट स्वीट भ्रम सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बाय। हां हां गुड नाइट। चलो मीरा जल्दी चलो, चलो चलो मीरा जल्दी। दया क्या हुआ? आप मुझे क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। चलो सो जाते हैं, चल टप्पू। क्या हुआ? आप कुछ भूल गए हैं, मैं याद दिलाती हूँ। आपने मेन डोर का दरवाजा बंद किया? अरे हाँ नहीं किया। तो कर दीजिए। और टप्पू का रूम भी खुला है? तो वो भी कर दीजिए। टप्पू बचो। मामा आप एक काम करो, आप किचन में आके छुप जाओ। किचन में माय डियर चीजा जी कभी भी चेक कर सकते हैं। तुम पलंग के नीचे छुप जाओ। हर पलंग के नीचे लेकर बिना मेरा टप्पू के पापा सोने से पहले बाथरूम जाते हैं, अभी जब वो बाथरूम जाएंगे ना तब तुम फटाक से यहाँ से निकल कर टप्पू के रूम में छुप जाना। पहली बार टप्पू के पापा सोने से पहले बाथरूम में नहीं गए और मेरा वीरा बेचारा पलंग के नीचे फंस गया। टप्पू
आटे की आवाज आ रही है। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? दया, पलंग के नीचे से कराटे की आवाज आ रही है, सुन। नहीं। अरे क्या नहीं? साफ साफ पलंग के नीचे से कराटे की आवाज आ रही है। तो अभी हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप पलंग के नीचे जाएंगे? हाँ। तो जाइए। तो क्या हुआ? था कोई नीचे? बताइए, बोलते क्यों नहीं? कोई तो होगा ना? चीजा जी दुकान नहीं जाते तब तक तुम नहा के टप्पू के रूम में छुप जाना। ठीक है मैडम, मैं तुम्हारे लिए टुवाल लेकर आती हूँ। अच्छा। गया, दरवाजा खोल। कौन इतना बेल बजा रहा है? रुक, मैं दरवाजा खोलता हूँ, जरूर सुंदर होगा। उसको दरवाजे से वापस अहमदाबाद भेजता हूँ। जीजा जी, जेठालाल गड़ा। हाँ, आप जोरावर सिंह? अरे देखिए जोरावर भाई, मैंने आपको बोला ना, सुंदर यहाँ नहीं है। अगर वो होता तो मैं आपको दे देता, मतलब आपके हवाले कर देता। भाई मैं तो बोलता हूँ, आप लोगों ने उसको अहमदाबाद से भागने क्यों दिया? अरे भाई, वो दाढ़ी मूछ लगा के ये लोग को बेवकूफ बना के इधर आया। दाढ़ी मूछ? अरे आप लोग मेरे सुंदर को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? क्या किया बेचारे ने? मेरा 30 लाख रुपया का घपला किया है उसने। है? क्या है, भूल गई? मैंने तुझे बोला था कि सुंदर ने कैसे जोरावर भाई को उल्लू बनाया है। वो जोरावर भाई यही है।
देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, वो आपके पैसे लौटा देगा। भाभी जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। सुंदर ने हमसे पैसे वापस करने का वादा किया है, कहता है आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, देता कुछ नहीं है, सिर्फ घुमा रहा है। देखिए अब हम वादा कर रहे हैं, एक बार वो हाथ में आ गया ना तो ऐसा घुमाएंगे कि वादा करना ही भूल जाएगा वो। शाबाश। नहीं 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 भाई, ऐसे मारपीट नहीं करते, शांति रखियो, अहिंसा परमो धर्म। अरे इधर क्या माथा कूट करता है, ढूंढो ना उसको, घर का खूना खाचरा देख लो, बाड़िया बाड़िया सब चेक करो, जाओ। मैं थैंक यू भाई, इधर नहीं है वो। ये सच सच बता, किधर छुपाया है उसको? आया। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं अपना पूरा घर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम तसल्ली हो जाए। बता जी, अब क्या होगा? चलो। आइए, ये मेरा टप्पू का रूम है। आइए और रूम दिखाता हूँ। ये सॉरी बोलो। ये तेरे वीरे की वजह से मैं अपने ही घर में टूरिस्ट गाइड बन गया हूँ। आइए आइए, ये हमारा बेडरूम है, देख लीजिए। ये कहिला अलमारी देख, पलंग के नीचे भी देख। दीदा ये क्या है? वो बाथरूम है भाई, बाथरूम तो सबको घर में रखना ही पड़ता है ना। हाँ लेकिन अंदर कौन है? अंदर अंदर कोई है? अंदर नहीं, अंदर कोई नहीं है। अरे लेकिन नल तो चालू है। हे मां माता जी, आओ देख लो भाई। खुला तो है। अरे वीरा कहाँ चला गया? हाँ ये लो, ये नल चालू है इधर, ये है बाथरूम देख लो। इधर भी नहीं है। हो गया सब देख लिया? अरे क्या हो गया, अभी किचन देखने का बाकी है। हाँ ठीक है भाई, चलो किचन भी देख लो। हेलो आइए, ये हमारा किचन देखिए, है कोई इधर? चलिए। ये कौन है? ये रूपमती रसोई वाली। वीरा ये कहां से कब आई? ये आज सुबह ही मैंने इसको रसोई के लिए रखा है। कितना पगार नक्की किया? चेहरा दिखा चेहरा। ए बापले, हमारे में किसी पराए मर्द को चेहरा दिखाते नहीं है, और गलती से भी कोई चेहरा देख लेवे और हमारे उनको पता चल जावे तो वो तुरंत ही गोला दबा देते हैं। जो चेहरा देखे ना उसका की कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। बेटा ये क्या पूछ वाले भाई, आपके माँ बाप ने आपको कुछ संस्कार दिए है कि नहीं? बाहर लेकर आती है, हम लोग बाहर बैठते हैं। चलिए हम लोग चाय नहीं पीते। अच्छा रूपमती चाय मत बनाना। अरे भाई मैं चाय पीता हूँ, मुझे तो चाय पीना दे, सुबह से कब चाय नहीं पी है। रूपमती सिर्फ एक कप चाय बनाना। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वीरा
टप्पू के पापा को बातों में उलझा कर रखती हो, मौका मिलते ही तुम पीछे से छुप कर चले जा रहा। देखो जेठालाल, हमारी नजर तुम्हारे घर पे पूरी सोसाइटी के ऊपर है। सुंदर को लिए बगैर हम इधर से जाने वाले नहीं है। पर लेकिन सुंदर यहाँ आया ही नहीं तो? वो मैं कुछ नहीं जानता। कल तक सुंदर क्या मेरा पैसा नहीं मिला ना तो चलो। तो क्या? अरे तो क्या? अरे धमकी तो पूरी दे के जाओ तो क्या? पैसे मुझसे वसूल करोगे? क्या मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ऐसा अशुभ मत बोलिए। अरे क्या अशुभ मत बोलिए, क्या अशुभ मत बोलिए? वो तोतर मणका तो मेरी छाती पे रख के चला गया, तू बोलती अशुभ मत बोलिए? ए भगवान, ये कैसे मुसीबत मेरे गले में आन पड़ी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपके सामने दुनिया की कोई भी मुसीबत आए ना तो मेरा वीरा आपकी और मुसीबत के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहेगा। अरे वो खुद मुसीबत की दीवार है जिससे मैं कई बार टकरा चुका हूँ, वो क्या बचाएगा मुझे? ये तेरे वीरा की वजह से कैसे कैसे लोग मुझे धमकी देके गए, देखा नहीं? देखो मुझे पक्का भरोसा है सुंदर हमें यही मिलेगा। पीछे दो जन है ना, वो सोसाइटी के मेन गेट पर खड़े रहेंगे और तुम दोनों सोसाइटी में आते जाते लोगों पे नजर रखना। जरा भी शक पड़े ना तो उसको चेक करना। ठीक है भाई। हेलो उतरो अबे। एक बात याद रखना दया, आज अगर तेरा वीरा यहाँ दिखा तो मैं और तू हम दोनों कभी साथ में नहीं दिखेंगे। नहीं नहीं दिखेगा नहीं। अबे मेरी चाय का क्या हुआ? क्या कर रही है तेरी बासमती? रूपमती। आ वो जो भी है वो तो चली गई। कभी अभी सामने से गई ना। सामने से? मैंने क्यों नहीं देखा? मतलब मेरे सामने से और आपके पीछे से गई तो आपको कैसे दिखेगा? आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहाँ गया होगा मेरा वीरा? अच्छा हुआ बेना ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर और घर में रहता तो माय डियर जीजा जी मुझे जरूर पकड़ लेते। टेंशन में मुझसे भी ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है ना, अब कहाँ जाऊँ? कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। ये भगवान ऐसा फंस गया हूँ मैं। चेहरा अपना चेहरा दिखाओ। फाइडी ना, तू मेरा चेहरा देखना चाहता है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है नालायक करसन? करसन? ये कैला से मेरा नाम बोली? ए, 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 करसन नहीं बोली हो, पर्सन बोली, पर्सन इंग्लिश में बोली, नालायक पर्सन, पर्सन बोली। सोता रहे हैं। कौन है? डरो मत, बिल्कुल डरो मत। कौन हो तुम लोग? एक अबला को सता दो, तबला बजा दूंगा मैं तुम लोगों का। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? पत्रकार पोपटलाल, दुनिया हिला देता हूं। ए, मुझे सिर्फ इसका चेहरा देखना है। ये कोई म्यूजियम का पुतला है कि किसी ने भी टिकट ली और देख लिया चेहरा? ए, तू मुझे जानता नहीं है। अच्छा बता, अपने बारे में जो कुछ बताना हो बताओ, अभी मैं डायरी में लिख लेता हूँ, नाम एड्रेस फोन नंबर जो बताना हो बताना। एक मिनट जरा पेन ले लेता हूँ। करसन, ये सोसाइटी वाला लगता है बोला और ऊपर से पत्रकार भी है, अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो अपना काम बिगड़ जाएगा। सॉरी भाई साहब, सॉरी बहन जी। सॉरी क्या, सॉरी क्या, बोलो बोलो बोलो। कहाँ गया होगा मेरा वीरा? आप कहीं जा रहे थे? हाँ,
पर अब जाना कैंसल। अब आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं अब कहाँ जाऊंगी? इस जालिम शहर में कौन है मेरा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, फिलहाल आप मेरे घर चलिए। हाँ ऐसा ही करती हूँ, मैं आपके घर ही चलती हूँ। आपको पता है मैं बहुत अच्छी रसोई बनाती हूँ, एक से एक बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी आपको। हाँ चलिए। पोपट भाई। हाँ दया भाभी। ये रूपमती है। अच्छा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, आप भी रख लीजिए, बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएगी। चलो चलो फिर चलो। चलिए। गड्डी बहुत डैशिंग है महेंद्र पाल सिंह। और यार हाँ सच्ची जो ये दाढ़ी वाला है ना मुझे सुंदर ही लगता है। भाई को फोन लगा सोसाइटी में आ जाए, बोल सुंदर मिल गया है। हाँ भाई सुंदर मिल गया है, हाँ आ जाओ सोसाइटी में। चंगा यार सच श्रीकाल। वाह जी वाह। क्या है भाई तुम सुंदर हो तो है हूँ, और मम्मी जी तो कहती है मैं बचपन से हैंडसम हूँ। चल बे चुपचाप दाढ़ी निकाल। चल क्या करते हो? अरे भाई ये सुंदर है। ओए सुंदर जो होती है ना वो लड़की होती है, मर्द जो होता है वो हैंडसम होता है जैसे कि मैं। सन ये सुंदर नहीं है। तो क्या बात है, मैं सुंदर नहीं हूँ और मैं हैंडसम नहीं दिखता? आप हैंडसम हो पर सुंदर नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ तुम लोग हो कौन? जी हाँ हम हो जेठालाल के सगे वाले। ओ तो ऐसा बोलो ना यार, अभी खाम का मुझसे पिटी आते और चलो मेरे घर पे पीते हैं लस्सी वस्सी वस्सी तुसी। अरे भाई जरा जल्दी में, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक है भाई फिर कभी रखते हैं प्रोग्राम श्रोग्राम। हाँ चंगा जी फिर बाय बाय। करसन जरा हाइट बॉडी तो देख। अरे अपनी नहीं उसकी, सुंदर इतना सा ये इतना लंबा, जरा ठीक से देखो, जरा भांगरा मत मारो समझा। आइए 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 आइए, इसे अपना ही घर समझिएगा जी। क्या जमाना आ गया है, दिन दहाड़े लोग लड़कियों को इस तरह से छेड़ते हैं। वैसे आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। एक कुमारी अबला अविवाहित लड़की पर अत्याचार पोपटलाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। वैसे शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। लड़की? आप लड़की से शादी करेंगे? जी हाँ। देखिए गलत ख्याल है दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, आपके सामने एक खूबसूरत इंटेलिजेंट अच्छा कमाता नवयुवक बैठा है, उसके बारे में सोची? सोच लिया, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमें शादी जल्द करनी होगी। मैं एकदम तैयार हूँ। एक काम करता हूँ, ये खुशखबरी सबको दे देता हूँ, सबसे पहले दया भाभी को बताता हूँ। एक मिनट। हेलो हेलो दया भाभी, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। पोपट भाई चालू रखिए। हाँ चालू रखिए।
बोलिए पोपट भाई। दया भाभी एक गुड न्यूज है। क्या? दया भाभी आपने वो जो रसोई वाली भेजी है ना, मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। अरे वो सुंदर है। हाँ हाँ बहुत सुंदर है। वो मेरा मेरा सुंदर है। अरे माँ वो मेरा मेरा सुंदर है, उससे कुछ नहीं हो सकता। हेलो, आपको जो कहना है वो सुंदरलाल से कहिए। ये लो। हाँ बोलो बेना। वीरा वीरा मेरी बात ध्यान से सुन, आज रात कुछ भी करके होली माँ के दर्शन जरूर कर लेना और उनकी एक बार प्रदक्षिणा जरूर करना, उससे तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मेरा प्लेज इतना जरूर करना। हाँ ठीक है बेना, आज रात में होली की प्रदक्षिणा जरूर करूंगा। अच्छा बेना रखता हूँ। सुंदरलाल ये सब क्या है? बताता हूँ पोपट भाई। ये बात है पोपट भाई। अरे लेकिन सुंदरलाल अब तुम रात को नीचे जाओगे कैसे? उनको रूपमती पर शक हो गया। पोपट भाई मैं भले पकड़ा जाऊं पर अपनी बहना की बात मैं टाल नहीं सकता। सुंदरलाल तुम दया भाभी के भाई हो, बिल्कुल चिंता मत करो भाई। रात को रूपमती नीचे नहीं जा सकती, लेकिन रूबी तो जा सकती है ना। रात को देखना मेरा कमाल, ये पत्रकार पोपटलाल तुम्हें होली की प्रदक्षिणा जरूर करवाएगा। थैंक यू पोपट भाई, आपने मुझे आसरा दिया। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। जरा ध्यान से देखना सुंदर इधर है या नहीं। होली का दर्शन करने को तो आए गए। लो ए, तुम दो जन इधर जाओ। सुंदर दाढ़ी मूछ लगा के गायब हुआ है, कहीं यहाँ तो नहीं घूम रहा? ये तो सुंदर नहीं, देखता हूँ। वो वांदा वांदा था उधर। क्या वांदा? वो कीड़ा गया 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 गया। सॉरी हाँ सॉरी उधर। ओके थैंक यू, चल चल। ओ की हो गया जेठा ब्रा? नहीं ना कुछ नहीं। ओ तो आ जाओ यार फिर। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये तो सुंदर नहीं था, लेकिन सुंदर मुंबई आया और यहाँ नहीं आया, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। बबीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या देख रहा है? इसे ढूंढ रही है आपकी निगाह? सुंदर को। सुंदर को? सुंदर अहमदाबाद से दाढ़ी मूछ लगा के भेष बदल के भागा है। वो लोग जो उधर खड़े हैं ना, वो स्पेशल अहमदाबाद से आया सुंदर को ढूंढने के लिए। लेकिन सुंदर अभी है कहाँ? पता नहीं। वाओ अच्छी लग रही है। ओ हो हो। अब दया भाभी एक मिनट। क्या सब ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, पोपट भाई के यहाँ है, आता ही होगा। बता सर। अरे ये कौन है पोपट लाल के साथ? अकबे अब्दुल प्रा, ये पोपू के साथ मॉडर्न मॉडल टाइप की लड़की कौन है? लगता फिर से शादी का चक्कर होगा। ये पोपट भाई के साथ कौन है? जो भी है सुंदर है। पोपट लाल, पोपट लाल तुम यही रुको, मैं उन्हें देखता हूँ। यस जेठालाल। कौन है ये? फ्रेंड है। किसकी?
मेरी चैट फ्रेंड है? वो आजकल इंटरनेट पे बातचीत करते ना, वो चैट, तो चैट फ्रेंड्स। हाँ हाँ, वही वही वही। यूरोप से आई है इंडिया घूमने, तो मैंने कहा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ, घूम लो तो इंडिया अपने आप दिख जाएगा। एक्सक्यूज मी, कम रूबी कम। जेठालाल, लगता है रूबी का बजट कुछ कम है तो इंडिया इधर ही देख रही है। वैसे वो यूरोप में पहाड़ होते? हाँ, क्यों? रूबी बहुत पहाड़ी लगती है नहीं? कुछ विचित्र है। कम रूबी कम। हाय, बहुत सज्जी लग रही है। थैंक यू। हु शी? टप्पू, क्या बात है, अभी तक होली प्रज्वलित क्यों नहीं हुई? पोपटलाल, शांति रखो, तैयारी चल रही है ना, हो जाएगा। हाँ, मेहता साहब, तैयारी हो गई है। चलो टप्पू, होली प्रज्वलित करते। हाँ, चलो। और टप्पू पुत्र, वो किस सोच में पड़ा है यार? सॉरी अंकल, मुझे दादाजी की याद आ रही है। अगर दादाजी होते तो बहुत मजा आता। सही बात है, अगर चाचा जी होते ना तो और मजा आता। हाँ, टप्पू बेटा, चाचा जी तो हम सबके दिल में हैं और वो भी हम सबको याद कर रहे होंगे। तुम होली प्रज्वलित करो। हाँ बेटा, शुरुआत करो। हाँ चलो चलो बेटा टप्पू। और चलो भाई चलो, शुभ कार्य शुरू करो। वाह जी वाह, चलो भाई चल। टप्पू बता, टप्पू से ना। हाँ, यहाँ से बेटा, यहाँ पे। मामा, एकदम हीरोइन लग रहे हो। टप्पू, सन, वो डाढ़ी वाला लगता है बुला। यस, हाँ बोल। आप बोलो, आपने मेरा क्या बुलाया? ये तेरे को किसने बुलाया? वो दाढ़ी वाले को भेज। चल चल चल। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए। ए चालना, ए देखिए मिस्टर, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? अरे अंग्रेजी पढ़ता है। अरे ए, ये को पकड़ के रखो, छोड़ दे रे तो। अरे 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 पर अय्यर, हुआ क्या ये तो बताओ। मेहता साहब, सबसे पहले इताजमी ने ऐसा करके मार को बुलाया, मैं इधर आया तो ऐसा धक्का दिया और बोला कि जाना। फिर मैंने इनको पूछा, आप कौन है, आपको क्या चाहिए? तो मैर को यहाँ पर ऐसा पकड़ दिया ऐसा।
अरे लेकिन अय्यर भाई आप साइंटिस्ट है क्या डिक्टेटिव? आपको क्या पंचायत पूछने के आप कौन है क्या है वो सब? आप अपना काम करो ना भाई। जयडा लाल मैं अपना काम ही कर रहा था लेकिन यह गुंडे ने मेरे को धक्का दे दिया। कौन है ये गुंडे? पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाओ। हाँ मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। आती भाई ये पकड़िए। नहीं 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 आती भाई नहीं नहीं फ्लैट मत लेना मेहता साहब आप मत लेना नहीं नहीं। अरे भाई भिड़े जरा शांति रख पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है भाई। ओ हाँ पिड़ू और पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है और ये जेठा प्रागे सगे वाले हैं और आज सुबह ही मैं मिला था लस्सी वस्सी असी तुसी। हमारे जेठालाल ये तुम्हारे सगे वाले जब भी हमारी सोसाइटी में आते हैं सोसाइटी वाले पे हाथ ही उठाते। सही बात है। पिछली बार पोपटलाल की धुलाई और इस बार अय्यर भाई। हाथी भाई शांति अब क्यों ये पूरा मामला भड़का रहे हो? प्लीज जरा शांत रहो। लेकिन जैद अरे आप तो बोलो ही मत अय्यर भाई चुप रहो एकदम। बबीता जी सॉरी। इट्स ओके। अरे ओके लो बोलो बबीता जी ने भी ओके बोल दिया। चलो 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 हो गया। अरे हाथी भाई आपका पूजा आधा रह गया था ना। हाँ, हाँ, चलो 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 बच्चा साहब जरा लेके आइए ना सबको प्लीज प्लीज जा जरा। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला ना सुंदर मिलता है मैं उसको आपके हवाले कर दूंगा। फिर ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग सोसाइटी में? अरे भाई शॉर्ट में समझो सुंदर को आपके हवाले करने में मेरा फायदा है। देखो मेरे आदमी चारों तरफ है। अरे भाई मुझे भी अपना ही आदमी समझो। तो अभी शांति है प्लीज। अच्छा हुआ ये लोग ने पुलिस नहीं बुलाई। चलो बाहर खड़े रहते हैं। पोपट भाई को थाली देकर आती हूँ उनके पास नहीं है ना तो चलो। के तेवर ही बदल गए आज तो। क्यों क्या हुआ? अरे देखो ना आने के बाद एक तो हम लोगों को हेलो भी नहीं बोला और उससे भी पहचान नहीं करवाई हमारी। हाँ शादी के लिए जब तक लड़की नहीं मिली थी तब कैसे आते थे? आप सब मेरी बहने हैं मेरे लिए कन्या तो आप ही ढूंढेंगी और अब देखो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है उनकी मजबूरी जरूर कोई होगी। कसली मजबूरी भाव खा रहे वो भाव। हाँ। सच्ची बात है। बेटा ये दया भाभी को दे देना। कम रूबी कम। ओ पप्पू ओ इतनी जल्दी क्यों जा रहा है यार? अरे बराबर है सोड़ी उसको रूबी जी को घर पे छोड़ने जाना होगा ना। और ठीक है फिर कल रूबी भाभी को होली खेलने के लिए जरूर लाना। सोनू भाई क्या आप भी सोचे समझे बिना रिश्ता छोड़ देते हैं? देखिए रूबी पोपट भाई के भाई है। पोपट भाई रूबी के भाई जैसे है। और वैसे भी छोड़िए ना पोपटलाल भाई की बातें। अभी होली के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब कि सबके दुख हर ले और सब का भला करे। अरे मेरा भला तो तब होगा जब सुंदर मिल जाएगा। अरे पोपट भाई आप इतने टेंशन में क्यों हो? अरे सुंदर लाल मैं तुम्हें रूबी बनाकर सबके सामने लेकर तो गया लेकिन पता नहीं सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। पोपट भाई
कल 12 बजे तक सब गलतफहमी दूर हो जाएगी। हेलो राजन, ए भाई कल 12 बजे तक तू आ जाएगा ना, वरना मेरी बहना का वीरा सुंदर पर से विश्वास उठ जाएगा और माय डियर जीजाजी और माय डियर बहना के बीच में अंटस हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो मेरी बहना कभी भी मुझे राखी नहीं बांधेगी। अरे क्या कोशिश करता हूँ यार, अरे तू आ जाना वरना। देख भाई तू नहीं आया तो इस दुनिया में बचे रहने की मेरी उम्मीद नाकामयाब हो जाएगी। अरे दया चाय ला जल्दी। पापा मम्मी को बोला मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ओके 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 बाय। और पापा थैंक यू। हाँ नेचुरल कलर उससे ही होली खेलना बेटा। उससे ही सबसे पहले होली खेलने पहुंच जाएगा। बच्चों का तो ऐसा ही है ना। मेरी बच्ची कहाँ रह गई। अरे भाई चाय लाना दया। नहीं 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 मैं होली खेलने के लिए नहीं आऊंगा। मामा आपको मेरे साथ होली खेलने आना ही पड़ेगा। माय डियर भांजे मैं भी चाहता हूँ कि आज माय डियर बहना माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजे के साथ होली खेलूं, पर क्या करूं 12 बजे तक मुझे छुपके ही रहना पड़ेगा नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे पकड़े जाओगे। देखो रूपमती हो गया, रूबी हो गया, बोलो अब क्या बनना है। रुक्साना रुक्मिनी जो बनना है बना दूंगा। अरे पोपट अंकल आप रुक्साना या रुक्मिनी को नीचे लेके जाओगे तो क्या कहोगे, ये आपकी कौन सी नई फ्रेंड है। नहीं तुम एक काम करो भाई, तुम वो दाढ़ी मूंछ लगा के नीचे चलो। पोपट अंकल वो लोग दाढ़ी वाले को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा बेस्ट, एक काम करते हैं हम सोसाइटी में जितने लोग हैं ना सब दाढ़ी लगा लेते हैं। मामा अब एक काम करो आप दाढ़ी निकाल दो और सिर्फ पूछी रखो और मैं आपको ऐसा रंग दूंगा कि सोसाइटी वाले क्या आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। ओके 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 वाह 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 टप्पू वेरी गुड वेरी गुड। ओके माय डियर भांजे। ओके भगवान 12 बजे तक मेरे सुंदर वीरा को यहाँ बचा कर रखा। सुंदर यहाँ है मतलब यहाँ वहाँ जहाँ भी हो वहाँ पर बचा कर रखना। दया तूने सुंदर को यहाँ छुपाया तो नहीं है ना। नहीं बाबा कैसी बात करते हो। देखिए कल से आप पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर है बराबर, आपने घर में सुंदर को देखा। मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। गांव से पैसा उधार लेता है और टेंशन मुझे देता है। आपने चाय नाश्ता किया। कहाँ से करूँ कब से बैठा हूँ टेबल पे, बोला भाई चाय दे चाय दे। अब सब टेंशन से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, सबसे पहले जाकर बबीता जी के साथ होली खेलूंगा। हाँ ये हुई ना बात। तो मामा हो गए ना मामा होली खेलने के लिए तैयार। अरे तैयार तैयार माय डियर भांजे। वो सुंदरलाल जरा पानी से बचना भाई, नहीं तो ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हैप्पी होली। अंजलि पापी अंजलि पापी को नहीं छोड़ूंगी। चल रे अटला। सॉरी सॉरी भाई सॉरी। हेलो। नहीं भाई अब वड़ा पाव नहीं, जब से अहमदाबाद से सुंदर को ढूंढने मुंबई आए ये वड़ा पाव पे ही जिंदा है। अरे वड़ा पाव नहीं है गधे रंग है रंग। चलो आज होली खेलते हैं। भाई हम सुंदर को यहाँ ढूंढने आए कि होली खेलने आए। कितने साल से मेरे साथ काम करता है फिर भी अक्कल नहीं आई। अबे कथे आज हम एक दूसरे का चेहरा रंग डालते हैं कि हमें कोई पहचाने नहीं, फिर गोकुल धाम के अंदर घुसते हैं। हमें कोई नहीं पहचान लेगा लेकिन हम सुंदर को पहचान लेंगे। मुझे पक्का खातरी है सुंदर अपने बहन बने हुए के साथ होली खेलने इधर आएगा ही। क्या जोरावर आइडिया है। हाँ मेरा मतलब है कि क्या जोरदार आइडिया है। हाँ चलो शुरू करो मुड़ा रखने का।
है बेटा, सुंदर कौन है? हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। मिले तो मुझे बताना, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। बोलिए। नहीं नहीं शेवा भाई, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो इंतजाम देख लेना, तो बाद में खेलते हैं। आपको हैप्पी होली, हाँ बाद में खेलते हैं। चलो भाई, अब तो रंग लगाओ। हैं? कौन? शेवर? हाँ भाई लगा ना। अरे पॉपर लाइट! ओहो क्या बात है! चलो पॉपर लाइट! आपकी वो फ्रेंड रूबी कहाँ है? हाँ वो तो कल रात को ही यूरोप वापस चली गई। आज सुबह पहुंच भी गई होगी। चली भी गई? हाँ, वो फॉरेन रहती है ना, तो फॉरेन निकल गई। बोला कि मैं होली तो वही खेलूंगी यूरोप में, वहाँ बहुत अच्छी होली खेलते हैं। अभी आता हूँ। मम्मी अंजलि आंटी, इनसे मिलो। सुंदर मामा। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन माय डियर टप्पू की वजह से मैं जरूर होली खेलूंगा और माय डियर जीजा जी को भी रंग डालूंगा, तो पता भी नहीं चलेगा। टेंशन निवारण देवी बबीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हैप्पी होली। दिए दिए देवी ने दर्शन दिए। ये आज तो सबसे पहले आपसे ही रंग लगवाऊंगा और सबसे पहले आपको ही रंग लगाऊंगा भी। ए भाई क्या कर रहे हो, संभल के। सेम टू यू। थमने अभी थमने अभी रंगिए मत रंगिए। अरे मगर होली है। नहीं 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 बाद में मैं आपके पास भी आऊंगा स्पेशली, अभी नहीं प्लीज। है थैंक यू। अरे बबीता जी कहाँ चली गई? तेरे बारे में बोल रहा था, पता चला तुझे कुछ? नहीं की? बोल रहा था आज देखता हूँ छोटी मुझे कैसे कलर करता है। है बोला? हाँ। अभी देखो कैसे उसको रंग के आता हूँ। हाँ।
है बबीता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बबीता जी। जय जलाल। अय्यर भाई, अय्यर भाई एक मिनट, आज मेरा उपवास है। आजे भाई। हाँ बबीता जी कहाँ चली गई? पता नहीं, रंग लगा के कहीं चली गई। एक बात बता, क्या किया तुमने? तुम्हारा तो उपवास है ना? हाँ मेरा उपवास है, तुम्हारा उपवास थोड़ी है। बबीता जी कभी मुझे रंग लगाएंगे? अभी जेठा जी, बबीता जी। ओहो माय डियर, जीजा जी वापस मुंह धोकर आ गए? अरे साले के होते हुए जीजा जी आज कोरे कैसे रह सकते हैं? आया माय डियर जीजा जी। कहाँ हो आप जेठा जी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ रंग लगाने के लिए। रंगी है? अरे कब से कोई मुझे रंगी नहीं लगा रहा है, क्या बात कर रहे हो? कौन है ये मुच्छड़? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या सुंदर, क्या समझा था तूने? तू जोरावर का 30 लाख का घपला करेगा और जोरावर देखते रह जाएगा। नहीं नहीं सुंदर भाई, ऐसा नहीं है। ये सुंदर, तू तेरे ये जीजा जी के घर क्या पाताल में भी छुप जाता ना तो भी जोरावर सिंह तुझे ढूंढ निकलता। निकाल मेरा 30 लाख रुपया। जरा धीरज रखो। ये धीरज बीरज नहीं, अभी मेरा पैसा चाहिए, पैसा। हाँ पर दुलेटी तक का टाइम दिया था ना? 9 बार तूने टाइम लिया था लेकिन पैसे वापस नहीं किए और बार वादा तोड़ा है धोखेबाज। 10वीं बार हमने नहीं तूने टाइम दिया था और आज धुलेटी भी है। पर 12 तो बनने दो। सुंदर वीरा ये सब क्या हो रहा है? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। तू जब से घर आया तब से यही कह रहा है कि धुलेटी के 12 बजे तक ही परेशानी है। 12 तो कब से बज गए वीरा? सुंदर भाई ये सब क्या हो रहा है? लगता है बेना नसीब साथ नहीं दे रहा है। सुंदर यही था ना? एक मिनट दया, सुंदर यही था? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? मुझे नहीं पता था सच में सुंदर यहाँ था। एक मिनट
दया, मेरे मना करने पर भी तूने सुंदर को यहाँ छुपाया। इसका मतलब मैंने रात को जो दाढ़ी मूंछ वाला चोर देखा वो मेरा भ्रम नहीं था, वो सुंदर ही था। दाढ़ी वाला चोर मतलब वो भ्रम नहीं था? और वो काम वाली रूपमती थी वो भी सुंदर ही था। हाँ भाई हाँ, और कल रात को जो रूबी था ना मेरे साथ वो सुंदर ही थी। मेरा मतलब है जो रूबी थी ना वो सुंदर ही था। तू भी उस 30 लाख के घपले में मिला हुआ है? अरे नहीं भाई नहीं, मैं लगता हूँ 30 लाख का आप लोगों को, मैं तो सुंदर की मदद कर रहा था। दया, मैंने तुझे क्या कहा था, अगर तूने सुंदर को आसरा दिया तो बस है, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। सुंदर अब तू तो गया। नहीं नहीं नहीं, जोरावर भाई मैंने आपसे 30 लाख रुपए लिए वो बात सच है, और मुझे आपको 30 लाख रुपए देने हैं वो बात भी सच है, पर बार कुछ नहीं है, आज मुझे कोई वायदा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरे जीजाजी को दोनों को उठा कर ले जाऊंगा। मुझे क्यों भाई? ओए, ये कोई डिस्काउंट ऑफर है, एक पे एक फ्री तो क्या? और आप याद करो आपने जाते वक्त क्या बोला था, अगर कल तक सुंदर या पैसा नहीं मिला तो बस, तो वहां तक ही बोला था, आगे कुछ नहीं बोला था आपने? नहीं बोला था। मैंने कहा था ना कि सुंदर को छुपाया तो तुझसे पैसा वसूल करूंगा। करसन कैलाश दोनों को उठा के डालो जीप में और ले चलो अहमदाबाद। दोनों को उठा के डालो जीप में और ले चलो अहमदाबाद। मुझे और मेरे जीजाजी को उठा के ले जाओगे, हमारे हाथ पैर तोड़ोगे? तोड़ो भैया, क्या तोड़ो? शर्ट से बटन तोड़ने की बात थोड़ी है, बोलते तोड़ो, या शरीर की हड्डी तोड़ने की बात है। भाई ये कौन सा न्याय है भाई, करे कोई और भरे कोई, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी करे कोई भी भरे, हम लोग इधर आए ना तो 30 लाख रुपया लेकर ही जाएंगे। एक मिनट रुकिए जोरावर भाई, मैं आपके पैसे दे देती हूँ। तू कहाँ से देगी? वो शादी के वक्त मैंने गहने दिए थे, वो बेच के मैं पैसे लौटा दूंगी। ए बेशरम, अरे तुझे कह रहा हूँ सुंदर पीछे क्या देख रहा है, तुझ में शर्म जैसी कोई चीज है कि नहीं? देख अपनी बहनों को अपनी माँ के गहने बेचने निकली है, तूने क्या कसम कही है कि जिंदगी में कभी मैं कोई अच्छा काम करूंगा ही नहीं? क्या किया 30 लाख का तूने? जुआ खेला, सट्टा खेला, घोड़े की रेस में हार गया, क्या किया बोल तो सही कुछ? ये फालतू टाइम पास नहीं चाहिए, ये सोसाइटी वालों हमको तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अगर कोई भी बीच में आया ना ये रंग की होली है ना आंसुओं की होली कर दूंगा। ओ भाई देखिए प्लीज, चलो ले लो इनको। सुंदर लो, एक और लेनदार आ गया, पता नहीं इसके कितने लाख लिए होंगे। सुंदर ये तेरे पूरे 30 लाख रुपए लेके आया हूँ। राजन मेरा भाई जल्दी आ, तू एकदम सही वक्त पे आ गया है। ये तुम्हारे पूरे 30 लाख रुपए। थैंक यू राजन, तू एकदम सही वक्त पर आ गया, तूने मेरी इलाज रख ली। दोस्त तूने दोस्ती निभाने के लिए ये पैसे भले मुझे ऐसे दे दिए, फिर मुझे पता चला तूने पैसे ब्याज पे लिए थे, इसीलिए पूरे 2 महीने का ब्याज 1,20,000 साथ में दे रहा हूँ मैं। ये लीजिए जोरावर भाई आपके पैसे, और उसमें ब्याज के रुपए भी है। सुंदर भाई थैंक यू। दोस्त अगर तू ये पैसे मुझे सही वक्त पर ना देता
तो मैं बिना घर का हो जाता, मेरा पूरा परिवार रास्ते पे आ जाता। तो सच में हीरा है। भाभी, मेरे हीरा ने सच कहा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब ये तूने अपने लिए नहीं, तेरे ये दोस्त के लिए पैसे लिए थे? तूने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डाली? हाँ भाई, दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी थोड़ी मुसीबत हमें भी लेनी चाहिए। माँ कहती है दोस्ती में हमें ट्यूबलाइट जैसा होना चाहिए। ट्यूबलाइट? हाँ, जब दोस्त के जीवन में अंधेरा छा जाए और वो सिर्फ एक बार दोस्ती का बटन दबा दे तो हमें ट्यूबलाइट बनकर उसके जीवन का अंधेरा दूर कर देना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सुंदर कभी किसी का दुख नहीं देख सकता। तुझसे कब मेरा दुख देखा नहीं जाएगा? मना किया था ना मैंने कि सुंदर को यहाँ मत छुपाना, तो मानी मेरी बात नहीं ना? क्यों? एक मिनट जेठा भाई, आप शांत हो जाइए। देखिए, दया भाभी ने जो कुछ भी किया ना, वो धर्म संकट और मजबूरी में किया है। और तारक, मुझे ये सब पहले से पता था। क्या अंजलि, तुम्हें पता था तो तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए ना। तारक सॉरी, मुझे भी दोस्ती निभानी थी। कोई बात नहीं अंजलि, तुमने सच्चाई का साथ निभाने के लिए दोस्ती निभाई है। इट्स ओके। थैंक यू। सुंदर, ये ले, ये ब्याज के जो 1,20,000 है ना, तू रख ले भाई। अरे मुझे ब्याज नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, तूने तो दोस्ती निभाई है। दोस्त के पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? ए राजन, ए भाई, ये पैसे तू ही रख ले। How sweet. ये सुंदर, लाइफ में कभी 30,00,000 क्या, 3 करोड़ रुपया चाहिए ना, डोरावर सिंह को एक फोन मार देना, घर पे पहुंच जाएंगे। ओहो, टप्पू के पापा जी का मेरे मीरा की कीमत 3 करोड़ रुपए है। कोई 2.5 करोड़ में अगर इसे लेने को तैयार हो तो मैं अभी बेचने को तैयार हूँ। बता साहब, एक बात अपने घर की। क्या? ये साले सुंदर का नसीब तो देखो, एंड में सब कुछ उसके हिसाब से सेट हो जाता है। चलिए, अंत भला तो सब भला, क्यों दोस्तों।